अब दुनिया से होते हुए भारत पर भी कोरोना वायरस का कहर दिख रहा है। नोएडा के सेक्टर 135 स्थित श्री राम मिलेनियम स्कूल में 5 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है और स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। स्कूल में एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सभी पेरेंट्स को मेल और मैसेज कर बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया है। स्कूल में ICSE बोर्ड की परीक्षाओं का सेंटर पड़ा है, लेकिन आज परीक्षा नहीं थी। गौतम बुद्ध नगर CMO अनुराग भार्गव ने जानकारी दी कि पार्टी में शामिल हुए 5 लोगों के घरों में जाकर सैंपल लेकर नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल में भेजा गया है। संदिग्ध को आइसोलेट किया गया है। जांच रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में जारी की जाएगी। सभी कंपनियों को नोटिस भेज कहा गया है कि उनका कोई कर्मचारी विदेश गया है तो उसके भारत लौटने पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी जाए। और स्कूल में आ गए, स्कूल को हम लोगों ने ये एडवाइस किया कि उसको सैनिटाइज करा दें। सैनिटाइजेशन स्कूल में शुरू कर दिया है और जैसे ही सैनिटाइज हो जाएगा स्कूल तो खुद से दोबारा खोल दिया जाएगा। सारे बच्चों ने यही कोशिश की है कि वो घर पे ही रहें। उन लोगों को भी यही आदेश दिया गया कि किसी को भी अगर बुखार आ रहा है, खांसी हो, जुकाम हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसको तुरंत नोटिफाई करें और उसको स्कूल में ना आने दें और बच्चों के संपर्क।